हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलें आज के व्लॉग शुरू करते हैं। और आज आपको ईद का दूसरा दिन, जो मेरे मुस्लिम बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस सभी बैठे हुए थे, काम वगैरह करके फारिग हुए हैं। तो हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, मिकी भी आया हुआ है, मिकी है, बेटा है मेरा, ये लोग जा रहे हैं फिशिंग के लिए निशिकार पे। तो कहने का चले मैं यहाँ से भी व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, बाकी का भी व्लॉग आप लोग कंटिन्यू करना और मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना कि आप लोग शिकार पे किस तरह एंजॉय करते हैं, किस तरह शिकार करते हैं। तो जो आगे का भी व्लॉग है फिर ये लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। मिकी कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, बहुत शौक है ना आपको? इधर आओ ना, ज़रा व्यूवर्स को दिखाओ, इधर इधर आओ। हाँ ये देखे जी, तैयार होकर आया, बल्कि शिकार पे जा रहे और शलवार कमीज पहन के। मैं कहा मिकी यार चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े खराब। कहता है नहीं नहीं आंटी, मैं इसी तरह जाऊंगा, ईद मना रहा हूँ, ईद को एंजॉय कर रहा हूँ। भाई का सूट है। तो फिर बहुत ज्यादा खुश हो ना? जी जी। तो व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आंटी के व्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। तो फिर आगे की वीडियो आप लोगों ने बना के लानी है, मेरे साथ भी शेयर करनी है, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करनी है। ये व्यूअर्स को तो कह रहे हैं, खुद करते हैं? जी जी मैं करती हूं। हां देखते हो कि नहीं देखते मेरी वीडियो? देखता हूं, देखता हूं। कमेंट्स नहीं आते वैसे इनकी, आपके कुछ वो करना भूल जाते हैं। वैसे भी ज्यादातर जो लोग है ना वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक का बटन भी दबा दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये कहूँगी जो नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज का भी मौसम जो है ना वो खुशगवार हो रहा है, आस्ते आस्ते जो है ना बादल आना शुरू हो रहे हैं। तो बस इन्होंने कहा हम लोग भी जाते हैं, तो बस मैं और बेटी घर पे होंगे, ये लोग जा रहे हैं शिकार पे और वहाँ की वीडियो फिर ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ये लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए और देखिए बादल आ रहे हैं और कभी धूप निकल रही है और कभी बादल है, धूप और बादल जो है आँख मचोली खेल रहे हैं। तो ग्लासेस और टोपी वगैरह रख लेते ना आप लोग कैप। तो बस आगे की वीडियो फिर ये लोग कंटिन्यू करेंगे और सामने से जो है आज फिर जो है ये देखिए बकरियों का जो रेवड़ है ये जा रहा है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इसमें छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये लोग इस टाइम ले जाते फिर शाम के टाइम लेकर वापस आ जाते हैं। बस इनको देती हूँ, अब आगे की जो वीडियो है ये लोग कंटिन्यू करेंगे। जी तो व्यूअर सभी हम यहाँ पहुँच गए हैं शिकार वाली जगह पे। ये पानी है, ये अभी रॉड्स वगैरह हमारी पड़ी हुई है इधर, ये अभी बैठे हुए हैं इधर। मिकी है, मीर भाई है, बस अभी खाने का प्रोग्राम है। तो क्या कहेंगे आप? ये अब हम पहुँच चुके हैं जनाब पहले अपने शिकार के पॉइंट पे। तो अब पहले तो करेंगे पेट पूजा हल्की फुल्की, उसके बाद अपना काम शुरू कर लेंगे क्योंकि धूप भी अभी तेज है। हमने कहा जब तक ये काम करके कर लेते हैं। सुनील भाई हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं। बिल्कुल जी। सुनील भाई कैसा हमारा व्लॉग लगता है आपको? बस मालिक खैर करेगा, अभी खैर से पहुंची हैं, देखो अल्लाह अच्छा करे। लो बेटे लो, हाँ चलो बाकी की चीज़ें भी शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और अब हम शिकार के लिए तैयार हो गए हैं। और एक स्टिक मेरी ये पड़ी हुई है और दूसरी ये पड़ी हुई है। सामने मिकाया बैठे हुए हैं और सुनील भाई है वो सबसे आगे पापा बैठे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर आगे आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी शुरुआत हो गई है और ये एक छोटी मच्छी लगी है, आप देख सकते हैं। तो अभी शुरुआत होगी, आगे आगे अभी देखते हैं क्या होता है। बाम तो नहीं है ना? बाम नहीं है, मच्छी है अभी, मच्छी है। जी तो व्यूअर्स अभी हमारे ये जो रॉड्स हैं वो डले हुए हैं पानी में और अभी हम बैठे हुए हैं। रॉड के लिए इन्हें कुलिये के लिए, अब तो देसी जबान में इनको कुलिये कहते हैं, जो ये हमने बनाई हुई और अभी पानी में डाली हुई है। तो देखिए क्या होता है अभी सीन, क्योंकि पानी का जो बहाव है आज बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, इसकी वजह से कुछ इतना खास मज़ा आ नहीं रहा हमें। देखो क्या होता है अभी, ये आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है ना आज। ये मकाया साहब बैठे हैं इधर, वेट में है कि कोई फिश उनकी रॉड में लग जाए। और सुनील भाई वो दूर जो है खड़े में। वेदर तो अभी अच्छा हो गया काफ़ी, आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है ये।
तो व्यूअर्स, अभी आपको पता ही है जैसे घर में पानी का इशू होता है थोड़ा, तो हमने कहा चले बाजार से ही साफ़ करा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने कहा चले मार्केट से साफ करवा लेते हैं। अभी खड़े हैं एक पिस्टी की दो यार इधर ही जी। तो व्यूअर्स ये लोग अभी आए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस अभी लेकर आए शिकार। इन्होंने मुझे कॉल करी थी, मैंने कहा भाई आप तो गए हुए और पीछे मैंने पानी नहीं भरा शाम में, क्योंकि बाहर आदमी भरा सारे बैठे थे, तो फिर मैं नहीं निकलती हूँ तो इसलिए पानी नहीं भरा। इसलिए मैंने उन्हें कहते था कि वहीं से साफ करा के लेना, तो अभी साफ तो करा के ले आए हैं। तो उसे मैंने फिर भी नमक और आटा और सिरका लगा के रख दिया बाम को जो लेकर आए फिश, उसे लगा के रखा, फिर अच्छे से धो के फिर उसके साथ धोऊंगी दो तीन पानी से, फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। और बड़े थके थके से लग रहे, थक गए चेहरे से ही लग रहा मुझे, तो वहाँ से वो बाम जो भी कुछ शिकार का लगा था, तो हमने उनको थोड़े से पैसे दे के सफा करवा लिया। यहाँ पानी की थोड़ी सी किल्लत है हमारे, आपको तो पता ही है, फिलहाल में हम पानी का आपको बताते मरते हुए भी, तो बस ला के कम पानी में जो दोनों दाना तेनों ने कर रहा बस मैंने लगा के रखे। मैंने टमाटर मंगाए क्योंकि सब्जी की दुकानें जो है ना सारी बंद है, मैंने तो दाल बना ली, बल्कि हम लोगों ने खाना भी खा लिया और आज मैंने अपनी थोड़ी सी नींद भी पूरी करी, क्योंकि मोबाइल मैंने नहीं दिया हुआ था, छोटे मोबाइल पे इनकी कॉल आ गई थी, मैंने इनको कॉल करी तो मुझे कह रहे भी शिकार लगा क्या करना पानी का, साथ में था कि पानी मैंने नहीं भरा क्योंकि बाहर लॉक थे, तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी अपनी नींद भी पूरी करी। आज ईद का दूसरा दिन का शिकार में ही गुजर गया, तो सभी दिखाती हूँ आपको, मैंने उसे लगा के रखा हुआ जी। तो इसको मैंने आटा मछली को और सिरका लगा के रखा, थोड़ा सा नमक भी लगाया, तो बस अभी इसे धोती हूँ और फिर आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो ये मसाला, इसमें लहसुन है और नमक हल्दी है और मिर्ची है, और बस और कोई मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो अभी मैंने ऑयल रख दिया है, सिर्फ नमक फिर इसमें बना रही मैं। जैसे थोड़ा सा मसाला भुनेगा मैं इसमें ये बाम डाल दूंगी। बाम जो है ये फिश का नाम है जिसे बाम कहते हैं, इसे मैंने भी धो के नीचे रखा हुआ, अब मैंने साफ पानी से इसे धो लिया। जरा सा मसाला भून गया तो मैं इसमें उसको डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी। फिर इसमें ये फिश मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से इसमें भूनूंगी। मैंने ये दाल बनाई थी चने की, दाल बनाई थी आप लोगों, हाँ हम लोगों ने खा भी, आप लोगों का इंतजार कर करके आप लोग और वेट कर ले रहे। मैं पता है कि मैं इतने शौक से कहाँ ये थी, मैं फ्राई खाती हूँ ज़्यादातर, इनको ये जो है इस तरह की कढ़ाई बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो है ना फ्राई पसंद है, और मैं इसलिए मैंने कहा चले हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, आज लेट हो गया, आपको ब्लॉग भी जो है ना लेट मिलेगा। बस इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ, इसमें फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, टमाटर मैंने पीस के रखे हुए हैं जी। तो इससे मैंने मसाले में अच्छे से भून लिया, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने दो लिए हैं बड़े, और एक सब्ज़ मेरे खुशबू तो बहुत अलग आ रही है, हाँ आपको तो वैसे ही बहुत मिक्स करके इसको मैं ढाक के छोड़ दूँगी, और फिर थोड़ा सा भून के मैं इसे ग्रेवी, बस ये टमाटरों की ग्रेवी होगी, फिर और बाकी कोई चीज़ नहीं रहा, पानी खैरा मैं नहीं डालूँगी जी। तो ये रेडी है अब कढ़ाई इसकी, और सब्ज़ धनिया मेरे पास है नहीं, वरना मैं ऊपर से वो डाल देती। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा मैं गरम मसाला पिसा हुआ, और सिर्फ नमक मिले जो हल्दी डाली और लहसुन डाली, और ये ले लिए जी। तो फिर सब ये लोग खाना खा रहे हैं, और मैंने कढ़ाई बना के दी है मज़ेदार सी, तो आप लोग भी देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा कलर भी आया, और टेस्ट तो अभी ये खुद करके बताएंगे, आप भी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। मकाया अंजू जी, मकाया भी बैठा है साथ, हम लोगों ने तो टाइम से खा ली थी अपने जैसे, मतलब कि आपको पता है हमारा टाइम क्या है, 7 बजे से पहले हम लोग खाना खा लेते। आज की वीडियो भी आपको लेट मिलेगी, क्योंकि ये खाना खा के फिर अपलोड पे लगाएंगे, और नेट इतना स्लो आता है ना 10 बजे के बाद, तो वैसे ही नेट चला जाता है। तो आप लोग टेस्ट करके बताओ, तो मैं वीडियो को एंड करूँ जल्दी से। हाँ जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। हम्म।
तो जी व्यूअर्स यही होता है और मिल बैठ के खाना और खुशियां मनाना। गीत का दूसरा दिन था और इनका शिकार में गुजर गया था। ये तो आए लेकिन इन लोगों ने एंजॉय किया आप लोगों ने खूब। बहुत एंजॉय किया भाई लेकिन खूब शिकार में खाना सुनील भाई ने। तो बस मैं बस यही अपनी वीडियो को एंड करूंगी और यही कहूंगी जो नए आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज।